नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दतिया में कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने आज सेवड़ा रतनगढ़ माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए एवं मंदिर परिसर में आने वाली नवरात्रि मेले को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, दतिया जिला पंचायत CEO कमलेश भार्गव, सेवड़ा SDM अनुराग निगवाल, PHE विभाग अधिकारी राजेश श्रीवास्तव, इंदरगढ़ TI परमानंद शर्मा, डीपार थाना प्रभारी वैभव गुप्ता, थाना प्रभारी यादवेंद्र सिंह गुर्जर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ के दौरान माता रतनगढ़ का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण आवागमन जो परंपरागत माता रतनगढ़ का जो मेला है वह भरेगा एवं मंदिर आने जाने का जो मेन रास्ता है वह बंद रहेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में यह एक ऐसा मंदिर है जहां माता रतनगढ़ के दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ आती है। सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि डबरा से रतनगढ़ पहुंचने वाला रास्ता खुला रहेगा, दर्शनार्थी वहां से आ सकते हैं। माता रतनगढ़ मंदिर का जो मेन रास्ता है वह पूरी तरह से बंद रहेगा। अगर दर्शनार्थी किसी प्रकार से आने की कोशिश करेगा तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी एवं मंदिर पर दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर से बात की तो उनका कहना था कि सभी जगह रास्ते हमने बैरिकेड कर बंद कर दिया है एवं 2,000 से 2,500 पुलिस बल एवं होम गार्ड बल की ड्यूटी लगाई जाती है। जो मेन पुल का रास्ता था वह भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है एवं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहां एक रास्ता नदी के जरिए जाता है जहां नाव से पार कर जाया जाता है, वह भी बंद कर दिया गया है। नदी के द्वारा जाना खतरा है, नदी में मगरमच्छ अधिक मात्रा में है। हर साल की तरह इस बार भी रतनगढ़ का मेला लगना है। आगामी 6 नवंबर को ये मेला संभावित है। इस बार चूँकि सिंध नदी का पुल पीछे बाढ़ में टूट गया है तो ये परिस्थिति में चेंज हुआ है, उसके हिसाब से आने और जाने की व्यवस्था, भीड़ को किधर से लाएंगे, किधर से निकालेंगे, उसके हिसाब से जो तमाम दूसरी व्यवस्थाएँ हैं, पार्किंग की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, पुलिसिंग की व्यवस्था, लाइट्स लगाने, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य की व्यवस्था, इवन इसको कम्युनिकेशन के लिए टावर की व्यवस्था, ये सब तमाम चीज़ें होती है जिसको हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया है। और इस बार चूँकि ये बेहद रूट से काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि इस तरफ वाला जो रूट है सिंध नदी का, उस तरफ से लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो लिहाजा ग्वालियर के अधिकारियों के साथ हमको समन्वय करने की बात, खमरौली तरफ से जो नया रूट खोलना होगा उसमें भिंड के अधिकारियों के साथ समन्वय का इशू है, तो समन्वय के कोऑर्डिनेशन के क्या क्या इश्यूज हैं उस पर चर्चा किया है। एक मोटा मोटी प्रारंभिक चर्चा आज किया है और इसको अभी 2-3 राउंड की चर्चा और होगी, और अब से सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको इंगेज कर दिया है। अब यहाँ से वो सोचना चालू करेंगे। अभी तो इस तरफ से कोई आवक जावक नहीं होगा, इसके लिए जो डबरा पिछोर से आने वाला रास्ता है वो, और बेहट की तरफ से आने वाला रास्ता, और एक खमरौली मंगरौल खमरौली होकर के जो रास्ता आएगा, ये 3 रास्ते ही हमारे लिए होंगे। और इसी को किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा कि सुचारू रूप से सब चीज़ें हो जाए, यही तो इसमें अभी ये उधर से किसी को नहीं आने देंगे, कोई कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि नदी में पैदल या नाव के सहारे आना खतरे से खाली नहीं है। एक तो नदी में पानी किसी भी समय जो है वो कोई डैम वैम से पानी आ जाए, एक बार ऑलरेडी हादसा हो चुका है, मगरमच्छ काफ़ी है नदी में, किसी को मगरमच्छ खा जाए तो ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे। इस रूट से कोई आवक जवाब नहीं है, जिसको भी आना है भले वो बाजू में जो है वो बसई मलिक का ही आदमी क्यों ना हो, बसई मलिक के आदमी को भी जो है वो सेवड़ा लहार होकर के ही घूमते ही आना पड़ेगा या डबरा से आना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, आएगा।